श्री रामाधुरा राजा महाराज जी की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री लक्ष्मी भवन 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 स्वामी जी महाराज की। श्री लक्ष्मी भवन व्यास स्वामी जी महाराज की, 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 श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। काल को छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा। मूल मुकाम तो मूल मुकाम होता ही अपने आप में, इसीलिए बताया गया है कि सबका जन्मभूमि, सृष्टि का जन्मभूमि जो है वो बक्सर है। तो काशी में मरने से मुक्ति होती है, कांची के दर्शन करने से मुक्ति होती है, बक्सर के रहने दर्शन करने याद करने से मुक्ति हो जाती है, कुरुक्षेत्र में जाऊंगा ऐसा कह देने से मुक्ति हो जाती है, इस तरह बताया गया है। कहते हैं कि गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा। गोकोटि दानम करोड़ों गायों के दान करने से जो पुण्य होते हैं, गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, काशी में सूर्य ग्रहण में स्नान करने का जो फल होता है, और चंद्र बताया गया है चंद्र ग्रहण में काशी में स्नान करने का जो फल होता है, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है, प्रयागराज में कल्पवास करने का समय जो होता है, प्रयाग में कल्पवास करने का महत्व बताया गया। कल्पवास माने क्या होता है, कल्प कल्प करके जहाँ प्रवास किया जाए उसी का नाम क्या है, कल्पवास है। कल्प कल्प मतलब इच्छा है तीन बार भोजन करने की, लेकिन भाई प्रयागराज कल्पवास करें, अब एक ही बार दो बार भोजन करके रहते हैं, इच्छा है इसीलिए सृष्टि का जन्मभूमि जो है वो बक्सर है। तो काशी में मरने से मुक्ति होती है, कांची के दर्शन करने से मुक्ति होती है, बक्सर के दर्शन करने याद करने से मुक्ति होती है, कुरुक्षेत्र में जाऊंगा ऐसा से मुक्ति हो जाती है। Yeah, yeah.